उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही यूपी जोड़ो पद यात्रा के सहारनपुर पहुंचने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य जावेद साबरी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेसजनों से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया ताकि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय द्वारा सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी में पूजा अर्चना कर यूपी जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। आम आदमी को ढूंढने के लिए किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग जुड़ रहा है। सभी लोग परेशान है उत्तर प्रदेश की सरकार से। पूरी तरीके से यात्रा के पीछे है ना, तबाही मचा रखी है। पूरा उत्तर प्रदेश को ध्वस्त कर रखा है। नौजवान को नौकरी नहीं, व्यापारी को व्यापार नहीं, किसान को गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं, गन्ने का दाम नहीं मिल रहा। जो हर वर्ष 20 रुपए गन्ने के मूल्य बढ़ाए जाते थे क्विंटल प्रति, वो सब कुछ नहीं बढ़ रहे। हमारा आम आदमी परेशान है। महिलाओं को पूरी तरीके से इन्होंने दरकिनार कर रखा है। जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इनके दो दो विधायक आज सजा हुई है, उनसे कहते मेरा मतलब नहीं। आपने टिकट क्यों दिया जब उनके ऊपर पास्को एक्ट था, बलात्कार था? आप उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। आपने महिमा मंडित किया, उन बलात्कारियों को विधायक बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब ये उनकी अपनी सोच होगी, हम लोग जनता से मिल रहे हैं। ये यूपी जोड़ो यात्रा जनता से मिल रही है। निश्चित तौर से इस यात्रा में कोई गांधी परिवार का चेहरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली, उस तरह से यूपी जोड़ो यात्रा चल रही। खड़गे साहब को पीएम को क्या यार, खड़गे साहब हमारे नेता हैं, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, निश्चित तौर से वो मजबूत लीडरशिप है, मजबूत नेता। दलित वोट तो हमारे साथ आ ही रहा है, आप सबका समर्थन मिल रहा है। अगड़ा पिछड़ा मुस्लिम सब समाज हमारे साथ आ रहा है। चलो, बेहट के गांव पथरा में खेत में विद्युत लाइन ठीक कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उठाकर बेहट अस्पताल पहुंचाया। विभाग के अधिकारियों के मौके पर न आने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों को आश्वासन मिलने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक गांव पथरा निवासी साजिद पुत्र इरफान उर्फ फन्ना बेहद बिजली घर पर लाइनमैन के पद पर तैनात था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलालपुरा में हैंड इन हैंड इंडिया आईटीसी मिशन सुनहरा कल के संयुक्त तत्वाधान में स्टेकहोल्डर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जानकारी एवं स्वच्छता अभियान के बारे में हाथर इन हैंड इंडिया के माध्यम से स्वास्थ्य स्टेकहोल्डर मीटिंग में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जाए, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्थानीय पार्षद मुख्य अतिथि रुक्मणी सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए उस पर अपने विचार रखे। हैंड इन हैंड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कृष्ण चेन्नई के हेड ऑफिस से पधारे और संस्था के बारे में जानकारी एवं संस्था द्वारा कार्यान्वित स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके बीच में हूँ। उसके बाद मैं अपनी माताओं बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सबने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए। और जैसे कि भैया ने अभी बताया है कि एक हैंड इन हैंड, ये मैंने वर्ड पहले भी सुना है। अब्दुल जी और शारिक जी ये सब आए थे मेरे कार्यालय पे मुझे बताने के लिए कि एक हैंड इन हैंड के नाम से संस्था का आयोजन किया गया है। उसमें हमारी जो माताएं बहने हैं उन्हें सभी को कार्य देने का काम किया जाएगा और आपको सेविंग के लिए भी समझाया जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन